हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज हम अगेन खेलने वाले हैं MPL पर 101 पूर्मी। एंड गाइज इस बार हम जो है 500 वाला पूर्मी प्ले करने वाले हैं। एंड गाइज ये गेम प्ले भी मेरी तरह काफ़ी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम 8 राउंड में इजी विनर तो नहीं बनेंगे, लेकिन विनर बनेंगे जरूर, लेकिन भाई काफ़ी दिक्कतें होने वाली हमको विनर बनने में। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जो कर लेना। ओके सो गाइस बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कितने ओपी कार्ड हैं। एक प्योर सिक्वेंस होती है, एक जोकर होता है और एक हमारे जो है सेट ओपन डेक से 8 के साथ रेंज हो जाता है। सो मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। वैसे देखो अभी हमारे पास 4 कार्ड इनवैलिड हैं और बंदे देखो क्वीन डिस्कार्ड की। खैर कोई निकलोडा से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ पर हर्ट जे आता है। सो हर्ट जे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे बंदा पिक कर सकता है क्योंकि हमारे पास जे है और कमीन नहीं है और बंदे देखो 10 डिस्कार्ड किया। सो 10 पिक कर लेते हैं क्योंकि इसी के साथ हमारा देखो सेट रेंज हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं 6 को डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे 7 जॉब करते तो 6 पिक होने के चांस होते हैं कम, लेकिन फिर मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता। मैं यहाँ पे डायमंड 4 डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बंदा सेट भी तो नहीं कर सकता है ना, इसी वजह से मैंने 4 डिस्कार्ड किया। और बंदे देखो जे डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं, जे तो हमारे किसी काम का है नहीं। और यहाँ पे भाई हर्ट में 6 आया है, अब दिक्कत हो गई कि अब कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें। सो यहाँ पे मैं रिस्क लेना पड़ेगा गाइस क्योंकि 5 और 6 बंदा पिक कर सकता है। चलो यहाँ पे कोई ना कोई तो कार्ड डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। सोच समझ के मैं सोच रहा हूँ कि 6 ही डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। या तो बंदा पिक कर सकता है या फिर नहीं पिक कर सकता। चलो बढ़िया, बंदे ने पिक तो नहीं किया लेकिन अभी भी हमको कार्ड चाहिए। ओके बंदे देखो डायमंड 9 डिस्कार्ड किया, ये भी किसी काम का नहीं है। मतलब हमारा सेटर में ब्रेक हो जाएगा अगर हम 9 पिक करेंगे तो 8, 9, 10 के साथ प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाएगी, लेकिन फिर 8 का सेटर ब्रेक हो जाएगा। सो क्लोडेस ही कार्ड पिक करते हैं मैं सोच रहा हूँ, या फिर पिक कर लें। नहीं, क्लोडेस ही कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे भाई 5 आता है। सो मैं 5 को होल्ड कर लेता हूँ क्योंकि डबल है, बंदा ये भी पिक कर सकता है। तो यहाँ पे हम हर्ट 6 डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमको कैसे भी करके ना सेकंड लाइफ रेंज करनी है। और बंदा हर्ट 9 भी डिस्कार्ड कर रहा है। भाई ये हो क्या रहा है, हमारा काम का कार्ड क्यों नहीं आ रहा। कोई नहीं, अगेन गाइस क्लोडेस ही कार्ड पिक करते हैं। वैसे यहाँ पे 6 आ जाना चाहिए और यहाँ पे देखो जे है, अब तो डबल हो चुके हैं कार्ड, अब तो डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो बंदा पिक भी कर सकता है। सो जे डिस्कार्ड कर ही देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं मेरे 30 पॉइंट लग गया ना जाएं, क्योंकि देखो सेकंड लाइफ ही नहीं रेंज हो रही। हमने तो अपनी तरफ से देखो कितना ट्राई किया लेकिन भाई बंदा कार्ड ही डिस्कार्ड कर रहा है ऐसा, जिससे कि हमारी सेकंड लाइफ रेंज हो पाए। और मुझे भी ऐसा लग रहा है किस बंदे की अभी प्योर सिक्वेंस रही नहीं हुई, तभी तो ऐसे कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है। और यहाँ पे देखो 8 डिस्कार्ड किया, 8 पिक कर लेंगे लेकिन फिर भी कार्ड तो चाहिए होगा। अब मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कार्ड अब या मैं 8 पिक करूँ या फिर ना पिक करूँ। 8 पिक करके मैं 5 डिस्कार्ड करूँगा तो बंदा 5 पिक कर सकता है क्योंकि डबल है, लेकिन यहाँ पर मैं क्लोडे से कार्ड पिक करता हूँ, यहाँ पर भाई क्लब 8 आता है। सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे ये भी बंदा पिक कर सकता है। चलो बढ़िया, पिक तो नहीं किया क्योंकि बंदे ने 8 डिस्कार्ड किया। चलो अच्छा हुआ, चलो पिक तो नहीं किया लेकिन देखो हमारे काम का नहीं कार्ड आ रहा। मैं सोच रहा हूँ बंदा क्वीन या फिर 9 डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन बंदे देखो एस डिस्कार्ड किया। कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ पर 2 आता है हमारे पास। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 10 ही डिस्कार्ड कर दूँ या फिर जे डिस्कार्ड करूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाले कार्ड हैं। एट या फिर 5 डिस्कार्ड करें, रिस्क तो लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैं जे डिस्कार्ड कर देता हूँ रिस्क लेके, क्योंकि अब या तो हम डेड डिक्लेयर करेंगे या फिर कोई काम वैलिड कार्ड आ गया तो हम जो पिक कर लेंगे। इसी वजह से मैंने जे डिस्कार्ड कर दिया। अब देखो हमारे 66 पॉइंट हैं और बंदा देखो भाई
किंग डिस्कार्ड कर रहा है जे के अकॉर्डिंग, भाई बहुत ही खतरनाक प्ले कर रहा है। कोई नहीं, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास नाइन आ चुका है, सो मैं नाइन रख लेता हूँ और सेकंड लाइफ तो रही मैंने कर ली है। सो यहाँ पे मैं डायमंड एट ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये बंदा ओपन ऐसे कार्ड पिक करे और भाई डिक्लेयर करे। ओके, इस डिस्कार्ड के कोई नहीं, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास थ्री आता है, सो अब मुझे यहाँ पर रिस्क लेना ही पड़ेगा फाइव के साथ। सो फाइव डिस्कार्ड कर देते हैं, चलो बढ़िया। वैसे बंदे ने पिक नहीं किया, मुझे लग रहा था कि बंदा पिक कर सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे पास प्योर सिक्वेंस नहीं हो चुकी हो, इसको और फाइव चाहिए हो। और बंदा देखो टाइम का लगा के कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी प्योर सिक्वेंस नहीं हुई। ओके, यहाँ पर मेरे पास जॉकर आ चुका है, सो मैं अगेन फाइव ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि अब हमको चाहिए ओनली वन वैलिड कार्ड। फाइव के अकॉर्डिंग फोर आ गया तब भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर थ्री आ गया तब भी डिक्लेयर हो जाएगा। और शायद ये बंदा डैट 80 पॉइंट से भी लॉस हो सकता है अगर इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हुई तो। लेकिन भाई बंदा तो इस बार फाइव पिक कर गया, मुझे लग रहा है कि डिक्लेयर करेगा। ओ भाई फाइनली बंदे ने डिक्लेयर कर दिया, मतलब भाई बंदे ने बहुत ही खतरनाक प्ले किया। खैर कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, अब हमने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया था। लेकिन भाई बंदे के साथ देखो सिक्स भी बंदे ने होल्ड किया हुआ था और फाइव का बंदा सेट ट्राई कर रहा था। चलो कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं एंड इस बार गाइस हमारे पास एक ही जोकर है और एक प्योर सिक्वेंस भी नहीं है। वैसे प्योर सिक्वेंस रेंज हो गया तो प्ले हम गाइस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जे का सेट रेंज हमारा हो रहा है। वैसे यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है कि प्योर सिक्वेंस नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पे डायमंड में नाइन और डायमंड में सिक्स आना चाहिए, जो कि बहुत ही कम चांस है। शुरू शुरू में बंदे ऐसे कार्ड डिस्कार्ड करेंगे, मुझे नहीं लग रहा। देखो बंदे ने टेन डिस्कार्ड किया, कोई नहीं हम ड्रॉप कर देते हैं एंड कर देते हैं इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं इन दोनों बंदों में से कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, सो फाइनली गाइज यहाँ पे अगेन जीरो पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, और इसी के साथ देख सकते हो बंदा 20 पॉइंट वाला जो होता है, ये बंदा ओनली 14 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे इसको भी सिंगल कार्ड चाहिए था, लेकिन भाई जिस बंदे ने डिक्लेयर किया ना उस बंदे पास वो काफ़ी ओपी कार्ड थे, वैलिड एंड हाई कार्ड थे और जोकर भी थे, भाई डिक्लेयर तो इसी नहीं करना था। चलो कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार तो गाइस हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, देख सकते हो एक प्योर सिक्वेंस और यहाँ पे दो जोकर हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास देख सकते हो काफ़ी सारे इनवैलिड कार्ड भी हैं, मतलब हमको वैलिड कार्ड अरेंज करना होगा फर्स्ट ओवरऑल, तो उसके बाद ही डिक्लेयर का सोचेंगे। और यहाँ पे 40 पॉइंट वाला बंदा इस बार चलो प्ले कर रहा है, अब देखते हैं 0 पॉइंट वाला बंदा ड्रॉप करता है या फिर प्ले। बंदा सोच रहा है कि प्ले करूँ, मेरे हिसाब से बंदा ड्रॉप करेगा और ऐसा ही होता है ये बंदा ड्रॉप कर देता है। सो हम क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ पे देखो लकीली गाइस हमारे पास जोकर आ जाता है एक और, सो मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि जे जोकर है तो बंदा किंग क्या पिक करेगा। ओके, फोर भी आ चुका है, अब कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें, वैसे मुझे यहाँ पे एक ही कार्ड चाहिए। सो यहाँ पे हम थ्री डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर थ्री भी इनवैलिड कार्ड तो है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और भाई बंदा थ्री पिक कर गया, देखो अब यहाँ पे हमको एक ही कार्ड चाहिए और बंदा फाइनली एट डिस्कार्ड कर देता है। सब एट पिक कर लेते हैं एंड फोर कार्ड की सिक्वेंस नहीं हो चुकी है, सो टू और फोर को सिक्वेंस में रेंज करके क्लब फोर के साथ कर देते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। अब देखते हैं गाइस बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। ओ भाई बंदा देखो 26 पॉइंट से फिर भी लॉस हो गया, इस बंदे ने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया था और भाई बंदा देखो थ्री का सेट रेंज कर रहा था। अगर हम 10 डिस्कार्ड कर देते ना भाई ये बंदा 10 का सेट रेंज कर लेता गाइस, मतलब देख रहे हो। चलो अच्छा हुआ कि इस बंदे कम से कम 26 तो पॉइंट लगे हैं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार तो गाइस हमारे पास कोई ढंग के कार्ड है नहीं, सो हम कर देते हैं ड्रॉप एंड देखते हैं 54 और यहाँ पे 66 पॉइंट बंदे में से कौन कौन बंदे प्ले करेंगे। वैसे यहाँ पे हो सकता है 54 पॉइंट बंदा प्ले करे, और ऐसे ही होता है ये बंदा प्ले कर रहा है और यहाँ पे देखते हैं डीलर ड्रॉप करता है या फिर प्ले। ओके भाई ये भी प्ले कर रहा है, कोई नहीं कर देते हैं अगेन इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं यहाँ पे कौन डिक्लेयर करता है। ओके, सो फाइनली गाइस यहाँ पे 66 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है और इसी के साथ भाई बंदा जो होता है ना 54 पॉइंट वाला बंदा, ये बंदा 24 पॉइंट से लॉस हो जाता है भाई। और भाई 66 पॉइंट वाले बंदे पास भी काफ़ी अच्छे कार्ड आए थे इस बार तो, वैसे दोनों बंदे पास अच्छे कार्ड थे लेकिन भाई फिर बंदे के 54 पॉइंट लग भी जाते हैं। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि प्योर सिक्वेंस नहीं है। बट कोई नहीं, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ पे मेरे पास फाइव आता है, उसमें मैं जे डिस्कार्ड कर देता हूँ क्लब में,
क्योंकि अगर मैं ओपन ऐसे 10 पिक करता ना, बंदे 9 डिस्कार्ड नहीं करते, इसी वजह से मैंने जे पिक नहीं किया था। ओके, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ डीलर ड्रॉप कर देगा तो भाई बढ़िया ही होगा। ओके, ऐसे ही होता है, ये भी ड्रॉप कर देगा, कोई नहीं, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे 9 आया भाई, सो 9 को रख लेते हैं क्योंकि हमारा सेट भी नहीं हो सकता है। सो 6 या फिर 9 डिस्कार्ड करें। यहाँ पे 6 भी इनवैलिड कार्ड है तो नहीं है, लेकिन बंदा पिक कर सकता है। चलो बढ़िया, वैसे बंदे ने पिक नहीं किया। ओके भाई, बंदा अगेन क्वीन डिस्कार्ड कर रहा है, कोई नहीं, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ भी हमारे पास हर्ट में 4 आता है। सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि क्लब 5 डिस्कार्ड कर दें या फिर 9, नहीं 9 ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हमने जे डिस्कार्ड किया था, बंदे ने पिक नहीं किया था, क्योंकि सेट हम ब्रेक कर देते हैं क्योंकि हमको पहले प्योर सिक्वेंस चाहिए। ओके, बंदे ने देखो 7 डिस्कार्ड किया। ओ भाई अगेन 9, भाई कितने आएंगे? अगर मैं वैसे मैं 10 पिक कर ही लेता तो बढ़िया ही रहता मेरे लिए, क्योंकि देखो अब डबल 9 आ चुके हैं, हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती कम से कम। चलो कोई नहीं, ट्राई तो कर रहे हैं कि हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाए। और बंदा देखो डायमंड में 4 डिस्कार्ड कर रहा है, लेकिन कोई नहीं गाइज, फाइनली हमारे पास जे आ जाता है। सो इसी के साथ गाइज हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो मैं अब यहाँ पर डिस्कार्ड करता हूँ डायमंड में जे, क्योंकि बंदे ने बैक टू बैक डायमंड में क्वीन डिस्कार्ड की थी ना। सो हम नहीं चाहते कि ये बंदा भाई ओपन ऐसे कार्ड पिक करे। ओके, बंदे ने इस डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत होगी, 4 का सेट रेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि साइकिल लाइफ ब्रेक हो जाएगी। सो अब 5 के साथ रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब मुझे डाउट तो है बंदा पिक कर सकता है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और भाई ऐसा ही होता है, ये बंदा पिक कर लेता है, कहीं डिक्लेयर ना कर दे, बस यही दिक्कत है। और भाई फाइनली बंदे ने डिक्लेयर भी कर दिया। खैर कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लब का कार्ड मतलब सिंगल था ना हमारे पास, और क्लब के कार्ड ओपन है, कोई निकल भी नहीं थे। और भाई बंदे के देखो 5 के साथ प्योर सिक्वेंस रही नहीं थोड़ी थी। ओ भाई बहुत ही गलती होगी हमसे बड़ी, मतलब एक कार्ड और बंदे ने भाई डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, इस बार तो गाइस हमारे पास देखो काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, लेकिन यहाँ पे जोकर नहीं दिया इस बार एमपीएल वालों ने, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके भाई अगेन ये बंदा प्ले कर रहा है, बट कोई नहीं, ये गाइस देखना बंदा लिमिट जरूर होगा, क्योंकि बंदे कॉन्फिडेंस के चक्कर में प्ले कर रहा है बैक टू बैक, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता किसी बंदे के पास अच्छे कार्ड आएंगे बैक टू बैक। मुझे लग रहा है कि इस बार अगर इसने पास अच्छे कार्ड नहीं ना हुए, एक जोकर से प्ले कर गया, तो जरूर अनलिमिट होगा। और यहाँ पे इस बार 60 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, यानी कि इस बंदे पास वो 101% अच्छे कार्ड होंगे, तभी तो ये बंदा प्ले कर रहा है। और यहाँ पे गाइज हम बैट स्किप करते, उससे पहले गाइज 66 पॉइंट वाला बंदा ओपन से कार्ड पिक करता है, और इसी के साथ ओनली सेकंड टाइम डिक्लेयर कर देता। मैं सोचा था कि ये बंदा ब्लफ ट्राई कर रहा होगा, लेकिन भाई ये बंदे ने डिक्लेयर कर दिया भाई साहब। और यहाँ पे भाई 98 पॉइंट वाला बंदा तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है, और देखते हैं यहाँ पे 60 पॉइंट वाला बंदा बच पाता है या फिर नहीं। भाई बंदे की काफ़ी किस्मत अच्छी चल रही है, मतलब बैक टू बैक देखो बंदे पास ओपी कार्ड आए जा रहे हैं। ओ भाई ये बंदा भी डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है, मतलब दे रहे हो दोनों बंदों के साथ, बहुत ही गंदे वाला सीन हुआ। और यहाँ पे देखो बंदे पास काफ़ी ओपी कार्ड थे, और भाई यहाँ में से एक बंदा रीजन हो गया है। लेकिन यहाँ पे गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि 66 पॉइंट बंदे पास तो बहुत ही हो सकता है गलत सीन हो जाए। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, एंड इस बार गाइस हमको ओपन डेस्क से 9 मिल रहा है। सो इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस भी नहीं हो रही है, सो पिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखो हमारा 5 का भी सेट रेंज हो चुका है, और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी हमारे पास नॉलेज कार्ड है। सो यहाँ पे मैं डायमंड में 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बंदा प्ले करे, और भाई सच में ये बंदा प्ले करा। कोई नहीं, अब 1v1 है सो देखते हैं, जे डिस्कार्ड किया सो जे पिक कर लेते हैं, क्योंकि इसी के साथ देखो हमारी 4th कार्ड की सीक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो मैं यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ, या फिर 8 डिस्कार्ड करें, बस यहाँ पे 8 भी अलग कार्ड है, 6 भी अलग कार्ड है, कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें। सो यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बंदा पिक कर सकता है कार्ड, क्योंकि इनवैलिड है ना। ओ भाई क्वीन के अकॉर्डिंग क्वीन, और यहाँ पे मेरे पास जे आ चुका है। सो यहाँ पे मैं 6 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि अब हमको एक ही कार्ड चाहिए। अगर 6 के अकॉर्डिंग डायमंड में 8 आ गया ना, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा।
ओके, लेकिन भाई बंदे ने डायनो में नाइट डिस्कार्ड किया, काफ़ी चलाक है बंदा। कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, क्या पता हमारे पास जोकर ही आ जाए। और यहाँ पे किंग आता है, सीसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, बस एक कार्ड। और भाई बंदा हो सकता है 20 प्लस पॉइंट से लॉस हो जाए, क्योंकि इस बंदे पास ऑप्शन तो नहीं रहा ना रहेगा कम से कम ड्रॉप का। और बंदा देखो सोच में पड़ गया, मुझे लग रहा है कि इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हुई। देखो अगेन डाउन नाइन, भाई बंदे पास कितने नाइन हैं। कोई नहीं, अगेन क्लोडस ही कार्ड पिक करते हैं। यहाँ पे बंदा एट भी डिस्कार्ड कर सकता है वैसे। और यहाँ पे मेरे पास हुक्म की क्वीन आ चुकी है, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हमको एक ही कार्ड चाहिए बस। और फाइनली बंदा गाइस जो है हर्ट में एट डिस्कार्ड कर देता है, सो हम पिक कर लेते हैं एंड सेट रेंज हो चुका है हमारा। सो हर्ट तरीक सा कर देते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। अब देखते हैं गाइस बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। वाओ गाइस बंदा हो चुका है 27 पॉइंट से लॉस, भाई मज़ा ही आ गया। और बंदा देखो 7 का सेट रहे कर रहा था, भाई बंदा काफ़ी चलाक निकला। चलो कोई नहीं, इस बंदे के पास कम से कम ऑप्शन तो नहीं है ड्रॉप करने का, ये बढ़िया है गाइस हमारे लिए। लेकिन कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस हमारे पास दे सकते हो। इस बार तो कार्ड तो मैं नहीं बोलूँगा कि गंदे हैं, लेकिन यहाँ पर जोकर नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि देखो हमारा 10 का सेट रहे हो चुका है। खैर कोई नहीं, हम ड्रॉप ही कर देते हैं एंड कर देते हैं इसी के साथ बैट स्किप। यहाँ पे देखते हैं इस बार कौन डिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइस आखिरकार 100 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, और इसी के साथ 93 पॉइंट वाला बंदा इस बार फाइनली एनिमेट हो जाता है। मतलब इस बंदे पास बैक टू बैक ओपी कार्ड आए थे ना, लेकिन आखिरकार ये बंदा एनिमेट हो ही गया। मतलब कि बंदे की किस्मत काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन लास्ट में आके धोखा दे दिया इसकी किस्मत ने। और बंदा देखना 108 पॉइंट से लॉस होता है, अगर 8 पॉइंट डाउन कर पाता तो इस बैट को सर्वाइव कर सकता था, लेकिन भाई बंदे का बैड लक होता है। खैर कोई नहीं, अब एलिमेट हो चुका है एंड गाइज ये बंदा हमें पहता है स्प्लिट पैक के क्वेश्चन, सो हम यहाँ पे फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, तब के लिए ओके।